मैं तो कहना चाहूंगी कि अवेसी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान ने सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात कही है, तो क्या हमें जेंडर इक्वालिटी का अधिकार मिला है? कुरान ने इकरा की बात कही, तो क्या हमें पढ़ने का अधिकार इन मुसलमान मर्दों ने दिया, इन मुसलमान मौलवी मुल्लाओं ने दिया? मौलाना शफीकुर रहमान बर्क के हिसाब से जो औरत पढ़ती है वो आवारा हो जाती है। मौलाना साजिद रशीदी के हिसाब से जो औरत 12 साल 13 साल पीरियड्स के बाद शादी नहीं करती है या उसकी शादी नहीं हो औरत है तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। मौलाना तारिक जमील के हिसाब से कि जो औरत भी अच्छी लगे उसे अपनी निकाह में ले लो, औरत जो है वो खेत है। मौलाना सैयद अरशद मदनी के हिसाब से मर्द को दूसरी तीसरी चौथी शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि 45 साल के बाद जो महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं उनका पीरियड्स बंद हो जाता है, वो फसल देना बंद कर देती हैं। इसलिए मौलाना अरशद मदनी ने बड़े से चैनल के कैमरा के सामने कहा था कि यही रीजन है कि मुसलमान मर्द 85 साल तक यंग रहते हैं, चुस्त फुर्त रहते हैं, बड़े ताकतवर रहते हैं, इसलिए उनको दूसरा निकाह तीसरा निकाह और चौथा निकाह करना पड़ता है। अब मैं इन तमाम जो बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी खिड़कियों पर जो ये मौलवी मुल्ला नजर आते हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने इस्लाम के हिसाब से औरतों को तो खेत कहा, आवारा कहा, लफंगा कहा, आपने औरतों को सिर्फ एड़ियों के नीचे कुचला, मुट्ठी के अंदर दबाया, और आज अगर अवेसी साहब को इतनी तकलीफ हो रही है और इतना दर्द मच रहा है तो मेरे लिए अपना सीट छोड़ देना, मैं लड़ लेती हूँ वहां से इलेक्शन, अपनी सीट छोड़ दे, मैं इलेक्शन फाइट कर लेती हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है, पर अपनी सीट तो छोड़ेंगे नहीं, अपना चेयर तो जाने नहीं देंगे। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान कहता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई घर अगर कोई स्टेट और अगर कोई राष्ट्र या अगर कोई कबीला औरत चलाए तो वो डेविस्टेट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जब इस्लाम ने हमें लौंडिया कह दिया, जब इस्लाम ने हमें आवारा कह दिया, जब इस्लाम ने हमें इतनी सारी भेड़ियां बांध दी, तो आज ये नई बात कहां से आ गई? असदुद्दीन अवैसी की स्पीच में औरंगजेब का नारा लगाने वाले लोग, असदुद्दीन की स्पीच और पब्लिक गैदरिंग के वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोगों के खिलाफ तो कभी भी असदुद्दीन अवैसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई और ना ही आई विटनेस बन करके उनको वैसे आतंकवादियों को जेल की सलाखों में भेजने के लिए उन्होंने कोई मखसूस कदम उठाया। पर आज नए पार्लियामेंट में जाने के बाद बड़े जहर उगलने की कोशिश और शुरुआत करना स्टार्ट कर दिया। असदुद्दीन अवैसी जी को मैं एक बात एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से भेजना चाहती हूँ कि मुसलमान मर्द जो है ना वो महिलाओं के मान सम्मान को और वंदन अभिनंदन को कभी भी महत्व देना नहीं चाहते हैं और दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुरान ने उन्हें लक्ष्मी के बारे में तो पढ़ाया नहीं है ना, कुरान ने उन्हें देवियों की पूजा तो सिखाई नहीं है ना, कुरान ने उन्हें कभी भी देवियों के चरण पर फूल देना तो कभी सिखाया नहीं है ना, कुरान ने उन्हें कभी इस बारे में तो बताया नहीं ना कि जब नया घर लेते हैं या नई गाड़ी लेते हैं या नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को, अपने घर की माता को लक्ष्मी स्वरूप देख करके उनके हाथ के छाप अलता लगा करके दीवारों पर और पैरों के छाप दिलवाए जाते हैं। ये इज्जत, ये मर्तबा, ये रुतबा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में दिया जाता है और आज छाती कूट रहे हैं असदुद्दीन अवैसी ये कह करके कि मुसलमान महिलाओं का नाम नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 75-76 साल में मुसलमान महिलाओं के लिए कौन से प्रधानमंत्री ने सोचा भाई, जो आज इतना ज्यादा असदुद्दीन अवैसी जी को इतनी तकलीफ और इतना दर्द एहसास होने लगा है? किसने सोचा था शादी शगुन योजना, किसने सोचा था कारीगर योजना मुसलमानों के लिए, किसने सोचा था तीन तलाक को बैन करने के लिए, किसने सोचा था पॉलीगेमी हलाला के लिए, किसने सोचा था हज पर अल्लाह के घर अल्लाह की हिफाजत में महिलाएं अकेले जा सके इसके बारे में किसने सोचा था, जीएसटी को महिलाओं के लिए हज के लिए 15% से हटाकर 8% पर लाना महिलाओं के लिए किसने सोचा था, ईदी योजना में 50% मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप देने के बारे में किसने सोचा था? तो एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री जो महिलाओं के बारे में इतनी ज्यादा सोच रहा है,
इतना ज्यादा कर रहा है, पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात कर रहा है, मदरसे के मुसलमान बच्चों के बारे में कह रहा है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, एटलीस्ट किसी ने सोचा तो पहली बार एक व्यक्ति विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान कौम को उजागर करना चाह रहा है, शिक्षित करना चाह रहा है। अब उसमें भी जुबान जो है वो कड़वी होती चली जा रही है। यही असदुद्दीन अवैसी जी भैया कई बार खिड़कियों पर बैठ करके, चैनलों पर बैठ करके गीत गाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो पाकिस्तान के 21% माइनॉरिटी से 5% क्यों हो गया, क्या बात हो गई? क्योंकि इस्लाम सिखाता है आपस में बैर रखना। इस्लाम ने बताया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बुतों को तोड़ो, इस्लाम ने सिखाया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखो आपने बहुत महत्वपूर्ण और वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं, वो ये उठाए कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ रिजर्वेशन की बात करते हैं, अगर उनकी पार्टी की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है, सिर्फ हैदराबाद और बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रही हूँ। देखिए इस्लाम में तो महिलाओं का कोई मानदर मर्तबा है ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जी फॉरेन कंट्री से बैरिस्टर पढ़ के आए हैं, उनके आसपास जितने भी चुन्नू उन्नू रहते हैं उन्होंने कभी भी उनको प्रोवोकेशन दिया है कि तुम भी बैरिस्टर बन जाओ, तुम भी वकील बन जाओ, तुम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करो, तुम भी शिक्षित बन जाओ, तुम औरंगजेब और थरकजेब और मुगले आजम और थरके आजम का तुम नाराबाजी मत करो, तुम पाकिस्तान का नाराबाजी मत करो। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी को अपनी स्पीच में एक चीज का बहुत ध्यान रहता है, वो आंखें मीच करके एक मैसेज पाकिस्तान को भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत डिप्राइव है। नहीं वो ऐसा नहीं नाजी, वो मुझे पाकिस्तान को तो बहुत कहते कि नहीं हमने ठीक है पाकिस्तान हमारे इंटरनल जो इश्यूज पर उसमें दखल ना दे, कई बार वो इस तरह की बातें करते हैं, मैंने सुना है। नहीं वो उन्होंने कई इंटरव्यूज में, कई बार मैं भी उनके साथ टकराई हूँ इंटरव्यूज में। देखिए उनकी 5 उंगलियां घी और सर कड़ाई में, उनके पास दो दो बीवियां हैं। इमाम बुखारी साहब जिनके बगल जिनके पीछे सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उनको नबी कहते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, उनके इकलौते बेटे ने हिंदू से शादी की, इमाम बुखारी के घर से लव जिहाद स्टार्ट हुआ है भाई। ये तो प्रमोशन किया है इमाम बुखारी जी ने, मतलब मुसलमान बेटियां उनके इकलौते बेटे को पसंद नहीं आई, मुसलमान बेटियां उनको आंख में चुभी, मुसलमान बेटी बहू बनाने के काबिल नहीं लगी इमाम बुखारी जी को, इसीलिए उन्होंने हिंदू घर की बेटी को उन्होंने अपनी बहू बनाया और बाद में लव जिहाद के एंगल से उसको कन्वर्ट भी करवाया। हाँ तो कोई भी किसी से मोहब्बत कर सकता है ना। और अगर नाजिया मोहब्बत कर ले सनातनी से तो नाजिया जहन्नुम चले जाएगी, नाजिया को चला आएगा, नाजिया पूजा कर ले तो इस्लाम से बेदखल, ये कौन सी पार्शियलिटी है भाई? नहीं वो भी गलत है, वो तो वो भी गलत नहीं मानेगा। नहीं नहीं वो भी गलत है, यहाँ तो सबको फ्रीडम है ना कि आप धार्मिक विश्वास के साथ किसी आपके संविधान ने भैया फ्रीडम दिया है, स्पेशल मैरिज एक्ट निकाला है, लेकिन मुसलमान लड़की जब सनातन के बारे में बात करती है, सनातन धर्म को जब बहुत अप्रिशिएट करती है तो मैं कितना ज्यादा मुझे तकलीफ दिया जा चुका है, मेरी गाड़ियां तोड़ी जा चुकी है, मेरे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज किया जा चुका है। अभी 3 दिन पहले बंगाल जी हाँ मैं अभी बंगाल में वेस्ट बंगाल में 3 दिन पहले मेरे घर के नीचे तोपसिया से मुसलमान 5-10-12 लड़के एक ग्रुप बना करके 250-300 लोगों को लेकर के वो मेरे घर के नीचे आकर के मुझे जला करके मारने की धमकी देकर गए हैं कि तुम सनातन धर्म को तुम अप्रिशिएट करती हो तो तुमको जला के मारा जाएगा। ये तो बहुत मतलब आपकी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है नाजिया जी, तो आपने शिकायत कि इमाम बुखारी का बेटा अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तो कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी इमाम बुखारी के कहने पर हम रमजान में रोजा रखेंगे और ईद में हम ईद मनाएंगे, ईद का चांद एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नाजिया इलाही खान अगर अप्रिशिएट भी कर रही है सनातन धर्म को तो नाजिया इलाही खान को जला के मारने की धमकी तो दी ही जा रही है, साथ साथ मेरे घर के नीचे आकर के मेरे घर के दरवाजे को तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये मेरे साथ 3 दिन पहले हुआ है।